लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मेरा फोन चार्जिंग में लगा हुआ है ना। ओहो, देखो तो इसको। अरे बेटा, कैसी नलायक कामचोर को चक्कर ले आया तू? मेरे तो कर्म ही फूट गए अब तो। अरे तुम दोनों अब झगड़ा ना शुरू करो, चुप हो जाओ दोनों, नहीं तो। हाँ चुप क्यों हो गए, बोलो बोलो, क्या कर लोगे, नहीं तो बोलो अब। अरे नहीं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि झगड़ा बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा ना डार्लिंग। हे भगवान, मैं जब बहू थी तब अच्छी सास नहीं मिली, और अभी मैं सास बनी हूँ तो अच्छी बहू नहीं मिली। माँ जी, इसका मतलब तो कमी आप में ही है। बहू, यह लड़ाई तेरे को बहुत महंगी पड़ने वाली है, देख लेना। माजी, कोई बात नहीं, पड़ जाने दो महंगी, सस्ते में तो मैं कोई भी सामान नहीं खरीदती। ओहो, देख तो सही बेटा इसको, कितने डायलॉग मार रही है, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? ए, इधर सुन, मेरी माँ के आगे अगर कुछ बोली ना तो मैं तो क्या क्या कर लोगे तुम? तो मैं तेरे चार पांच थप्पड़ जड़ दूंगा खींच के। मैं कुछ बोल नहीं रहा, ये तो सर पर ही चढ़ गई। वाह बेटा वाह, ये हुई ना बात मजे वाली। एक मिनट, तुम ऐसे कैसे मार दोगे थप्पड़? हाथ भी लगाकर दिखाओ, जुत्ती देखी है ना मेरी, 10 नंबर की है। पैर तो तेरा आधे नंबर का भी नहीं है, जुत्ती तू 10 नंबर की चकलाई। जा जाकर चेंज करवा के आ, बड़ी आई जुत्ती दिखाने वाली। सही कहा, 1 फुट की सारी है, सारे घर में आग लगा रखी है इसने आग। अच्छा कोई बात नहीं, मैं 1 फुट की ही सही हूँ। आप बताइए, आप कितने फुट के हैं? 100 फुट की हूँ मैं, बोल क्या कर लेगी। अच्छा माँ जी, आपकी इतनी लंबाई है तो आप इसका सदुपयोग क्यों नहीं करते? सदुपयोग? लेकिन वो कैसे? आप बाहर जाइए और उड़ते हुए पतंगों को पकड़िए, आपकी लंबाई वहीं पर सही काम आएगी। माँ, मुझे लगता है ये नमूनी कभी भी नहीं सुधरेगी। अरे माँ जी, जानू आप दोनों खड़े क्यों हैं? अरे वाह बेटा, मुझे लगता है अब यह सुधर गई। देखो कितनी इज्जत से बोला, माँ जी जानू आप दोनों खड़े क्यों हैं? अरे मेरा कहने का मतलब है, आप दोनों खड़े क्यों हैं? घर से बाहर जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। ठग दो ठग दो ठग दो वीडियो को लाइक ठग दो।